हिंदू जागरण मंच की तरफ से आज का जो प्रदर्शन है, जो पाकिस्तान के सरपरस्त आतंकवादियों ने एक कायराना हरकत रजौरी के अंदर की है, और रजौरी के अंदर जो है कार्य उस क्षेत्र में मजबूत किया जाए, बिना लोकल सपोर्ट के ऐसी कोई भी कार्रवाई जो है संभव नहीं है। हमें पूरा शक है कि वहां के ही कुछ लोग जो है आतंकवादियों से मिले हुए थे, जिस कारण उन्होंने उनको आइडेंटिफाइड किया। इसलिए हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि जिन आतंकवादियों ने ये कार्रवाई की है उनको पकड़कर एलिमिनेट किया जाए और केस लगाकर उनको फांसी दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो दर्शकों, अभी जिस तरह से आपने देखा कि रजौरी में कल एक किलिंग की गई एक परिवार के, वहां पर रजौरी में जो है आतंकवादियों द्वारा जो है एक चार लोगों की जो है निर्मम हत्या कर दी गई, उसके विरोध में जो है आज यहां पर एक विरोध प्रदर्शन किया गया और पाकिस्तान का जो झंडा है वो जलाया गया। तो वहीं पर सुबह की बात करें तो आज सुबह भी जो है वहां पर आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें कि दो महिलाएं जो है वो जो है गंभीर रूप से जख्मी बताई जा रही हैं, और लेकिन उसमें एक बच्चे की जो है वो मृत्यु हो गई। और जिस तरह से नए साल पर जो आतंकवादियों द्वारा जो है एक निर्मम जो है कार्य किया गया, जिसमें कि चार लोगों की जो है निर्मम हत्या कर दी गई है। कल नया साल जिस तरह से आया हुआ था, वहीं पर इन लोगों के जिस तरह से मारा गया है एक आतंकवादियों द्वारा, जिस तरह से ये निर्मम हत्या की गई है, तो उसके विरोध में आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट जो है वो जोरदार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वहीं पर पाकिस्तान का जहाँ पर झंडा भी जो है जलाया गया है। और सुबह की बात करें तो सुबह भी मैं आपको एक बार फिर से जहाँ से दृश्य दिखा दूँ कि किस तरह से यहाँ पर ये प्रोटेस्ट है यहाँ पर इनके द्वारा किया गया। शर्म नहीं है, वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं और वो लाखों रुपए देकर आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के अंदर भेज रहा है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। भारत माता की जय। ये कह रहे हैं कि बिना, तो ये साफ साफ इनका कहना था कि पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने जिस कहा कि पाकिस्तान द्वारा जिस तरह से ये चीजें जो है की जा रही हैं, पूरी तरह से हिंदुस्तान एक बताया जा रहा है कि उस कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि उन आतंकवादियों को जो है सबक सिखाया जाए, ताकि वो फिर से इस तरह के जो है चीज़ें ना कर सकें। और रजौरी की अगर हम बात करें तो रजौरी में कल एक नए साल पर जो है फिर से जो है कृत्य किया गया। मैं बस सिदड़ा की बात करूं तो सिदड़ा में भी थोड़े दिन पहले ही जो है एक ट्रक जो है पकड़ा गया था, जिसमें आतंकवादियों को जो है मार गिराया गया था। और उसके बाद नए साल पर जो एक वारदात जो है फिर से एक बार घटी है रजौरी में, और चार लोगों की वहां पर जो है निर्मम हत्या कर दी गई। तो ये सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन चीज़ों को रोका जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो है वो इस तरह की घटनाएं ना हो सकें। तो कड़ा से कड़ा एक्शन जो है वो सरकार को लेना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी घटनाएँ जो है आने वाले दिनों में ना घट सकें। तो इसी तरह से बने रहे मेरे साथ, और एक बार मैं सरकार से फिर से ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द ये चीज़ें रोकी जाएं, ताकि फिर से कोई ऐसी वारदात ना घटे, किसी भी परिवार के साथ इस तरह का हादसा न हो। तो इस तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहे न्यूज़ इन मिरर।